विश्वकर्मा जी की जय जयकार। जय जयकार। आप सभी देख सकते हैं ये बालोद डीजे यूनियन के जो सदस्य हैं वो विश्वकर्मा विसर्जन के लिए निकले हुए हैं। देख सकते हैं 70 डेसिबल से कम वाला डीजे साउंड, झगड़ा का जड़ डीजे नहीं शराब है, इस प्रकार का प्रदर्शन कहा जाए इसे। विसर्जन के दौरान जिस प्रकार से कोर्ट का जो नियम आया है जिसमें डीजे नहीं बजाना है, उसके जो डीजे संघ है उसके विरोध में उतर आए हैं और जो प्रदर्शन में उतर आए हैं। आपको इधर आ जाइए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये डीजे है, एक प्रकार का सांस्कृतिक डीजे यहाँ पर लगाया गया है और ये डीजे सामने जो डीजे ऑपरेटर है और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लास्ट डीजे साउंड यूनियन और 70 डेसिबल डीबी वाला डीजे साउंड सिस्टम, और साथ में विश्वकर्मा भगवान का जो है वो विसर्जन चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे सदस्य हैं और सभी से बात करते हैं। छोटू भैया, सबसे पहले बताएं किस तरह का विरोध है यह और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? आज हमारी जितने भी डीजे और साउंड वाले जितने भी भैया लोग, जैसे कि हम सीजन में रहते हुए एक गाइडलाइन के अनुसार जो हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग उसी के लिए आज लड़ रहे हैं कि हो जाए हमारा भी कुछ काम। तो ये जो डीजे आप लोग लगाए हैं, मॉडिफाई किए हैं, ये मॉडिफाई गाड़ी नहीं ठेला है। डीजे बंद तो शराब बंद जी, मतलब एक प्रकार संकेत भी है कि डीजे बंद नहीं पहले शराब बंद किया जाए, ये आप लोगों के मांगे भी है। डीजे बजा क्यों नहीं रहे आप लोग? आज का वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि 70 डेसिबल से कम साउंड बजाना संभव ही नहीं। जो शासन की गाइडलाइन पर दिया गया है कि 70 डेसिबल से कम साउंड बजाए, इसीलिए हम लोग, अगर राजू भैया इसको आप बजाएंगे तो क्या ये 70 डेसिबल से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। 70 डेसिबल से ज़्यादा रहेगा। जो आप नॉर्मल बात कर रहे हैं वो 70 डेसिबल ही रहता है, ज़्यादा ही होता है जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं। जब ये नियम कानून बना हुआ था उस समय मीटर नापने का नहीं था, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस कानून में कुछ संशोधन किया जाए, ताकि हम जो डीजे वाले भाई हैं हमारा भी रोजी रोटी इसमें चलता है तो हमारा भी सब परिवार चले, जबकि जो शासन और कम। तो ये जो आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं पूरे डीजे और धुमाल संघ यूनियन के लोग, इतना कुछ अभी तक से कुछ कुछ भाइयों का, हमारे यूनियन के कुछ कुछ भाइयों का लगभग एडवांस के तौर पे, खाली जो हम एडवांस लिए हैं 5 से 6 लाख रुपए एडवांस में है। अगर 50-50 हज़ार भी एक समिति से लेते हैं, लगभग 12 से 15 काम था हमारे पास में गणेश सीजन में, ये लेके चले लगभग 5 से 8 हज़ार रुपए का हमारा एडवांस को वापस किए हैं, और जो पैसा हमको मिला था एडवांस के तौर पे वो हमने खर्च कर डाले हैं अपने गाड़ी को सजाने के लिए। और दूसरी बात तो ये है कि हम शासन प्रशासन के लिए ही कार्य, आज का जो हमारा विश्वकर्मा जी को विसर्जन करने का जो प्लानिंग था वो हम क्या बोलते हैं उनके प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार में बिना मॉडिफाई गाड़ी में हम निकाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें लगा है 4 बॉक्स लगा है और 2 बेस लगा हुआ है, और 75 डेसिबल से कम और 55 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ है आज के में। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि 55 डेसिबल से ऊपर और 75 डेसिबल की जो आवाज़ है वो किस टाइप की होती है, और मॉडिफाई गाड़ी में बिल्कुल नहीं बांधे। आज हम ठेला में बांध के निकाले गए हैं, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को ये लगता है कि डीजे धुमाल या साउंड से अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी को हृदयाघात होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को समस्या होती है, तो भाई उसका जड़ ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम साउंड वाले 25 से लेकर 35 आदमी हम साउंड में एक साउंड में जाते हैं, सबसे पहले हृदयाघात हमारा होता, सबसे पहली मृत्यु हमारी होती। किंतु ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि साउंड के माध्यम से कई लोगों का ब्रेन हैमरेज हुआ है, कई लोगों का हृदयाघात हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी की बातें हैं। कुछ कुछ द्वारा ऐसा सूचना फैला गया है जो कि वो सब इस टाइप का है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। कई लोगों के द्वारा ये बोला गया है कि हृदयाघात से डीजे बनने से हृदयाघात से मृत्यु हुई है, ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हुई है डीजे बजने के कारण, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता। पुष्कर भैया, मैं ये बोल रहा था कि राजनांदगांव में कल डीजे बजा है, ऐसे सूचना मिल रही है, आप लोग भी बजाने के लिए कोई प्रशासन से कोई वार्तालाप हुआ है आप लोग, कोई बीच का रास्ता कुछ निकल पाया है? ऐसा कुछ वार्तालाप नहीं निकला है। पहली बात तो ये है कि राजनांदगांव में जो डीजे धुमाल वाले जो मित्र हैं
उनके पास प्रेशर गया हुआ था, जहाँ तक कि मुझे सूचना मिली है वहाँ ये बोला गया था हमारे कुछ डीजे वाले मित्रों को कि अगर आप बाय द वे नहीं बजाते हैं, ये बात प्रशासन ने कही थी, कुछ पुलिस अधिकारी ने ये कहा था कि अगर आप डीजे नहीं बजाते हैं और राजनांदगांव का माहौल बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, जिसके कारण प्रेशर में आके तनाव में आके उस डीजे वाले भाइयों ने बिना अनुमति के डीजे बजाया है वहाँ पे। ऐसा प्रशासन का आदेश आया है कि मॉडिफाई गाड़ियों में डीजे नहीं बजाने, उसके बावजूद वहाँ डीजे बजाए, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा ये बोला गया है कि आपको डीजे बजाना पड़ेगा, अगर आप डीजे नहीं बजाते हैं और शहर में माहौल बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं डीजे वालों की रहेगी, ऐसा करके वहाँ बोला गया। गुड्डू भैया ये बताइए मेरे को, डीजे तो ठीक है वाहन में बना रहता है उसके बाद बजता है, सांस्कृतिक आयोजन होता है उसमें भी ये बैस और टॉप भी लगता है कि कोई अलग से और उसमें कुछ लगता है? हमारे हिसाब से तो जो हम लोग डीजे बजाते हैं उससे भी ज़्यादा बेहद रूप में सांस्कृतिक कार्य में लगता है। चार बेस, चार टॉप, चार मॉनिटर, बहुत सारे पोंगे, कई कई कार्यक्रम तो रात रात भर चलती है, जबकि हमारा दो घंटे से चार घंटे का रहता है, इसमें कोई शासन एक्शन नहीं लेती। तो हम लोग चाहते हैं कि सब जो नियम कानून है सबके लिए बराबर हो, चाहे वो शासकीय काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, चाहे हमारा काम हो, सबके लिए। सांस्कृतिक आयोजन में परमिशन मिल पा रहा है आप लोगों को? जी नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं है, परमिशन है वही जो शासन की तरफ से दो पोंगा और दो बॉक्स। तो जो सरकारी आयोजन होगा इसमें आप लोग साउंड सिस्टम लगाएंगे? जी नहीं, हम लोग तो अभी बहिष्कार कर रहे हैं, जो भी शासकीय काम है अभी बंद ही रहेगा हमारे जो यूनियन की तरफ से, जब तक आप लोगों की मांगे पूरी जी, जब तक कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी सब सदा बाहर भाई, ऐसा नहीं कि आज दे दिए कल नहीं दिए, तो इस विषय में अब जाएंगे जहाँ भी संस्था में, तो अब देखते हैं क्या होता है आपके शासन के द्वारा। तो आप लोगों ने देखा जो डीजे धुमाल संचालक हैं, लोगों से बात की है, छत्तीसगढ़ में एक अनोखा प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो डीजे धुमाल संघ के सदस्य हैं इनकी ओर से विश्वकर्मा विसर्जन के लिए निकाला गया और एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर कि जो विवाद होता है वो डीजे से नहीं होता, वो शराब से होता है, शराब बंद किया जाए, और जो 70 डेसिबल का जो पैमाना तय किया गया है वो ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर खाली बंद जो बक्सा है एक बक्सा वो भी 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड करता है। साधना न्यूज़ के लिए बालोद से संजय सोनी के लिए।